हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो केदारनाथ के दर्शन के बाद अब हम लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं। और ये जब हम ऑन द वे थे होटल के लिए तो मैंने रिकॉर्ड किया था, बहुत ही सुंदर नज़ारा था बादलों को ऐसे देखने का। तो ये वही दिन है जिस दिन हम ट्रैकिंग करके केदारनाथ से नीचे आए थे, और फिर ये उसी की शाम का टाइम है जब हम ये होटल में स्टे किए थे। तो फाइनली हम लोग जो है एक दोबारा से होटल में स्टे कर रहे हैं, और ये रहा होटल, और ये इसकी कैंटीन है जिसमें हमने भी खाना खाया था। तो रूम का भी व्यू दिखाती हूँ, ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। तो ये रहा हमारा रूम, ये एक्चुअली रूम नहीं है, ये एक हॉल टाइप का है जिसमें एक इंक्लूड बाथरूम है, और बाथरूम भी काफ़ी स्पेशियस है, मैं दिखाऊंगी। और इसमें 10 बेड हैं, लेकिन हम लोग 8 जने हैं तो उस हिसाब से हमें मतलब 10 का ही लेना पड़ा क्योंकि ऑप्शन नहीं था। तो देखो इस हिसाब से यहाँ पे जो है 10 बेड इस तरीके से लगे हुए हैं। और यहाँ पे कमरे का ज़रा हाल देखो, तो ये सारा का सारा जो केदारनाथ से हमारे गीले कपड़े थे वो सब हमने यहाँ पे डाल दिए हैं, क्योंकि वही है कि अर्ली मॉर्निंग हमें बद्रीनाथ के लिए निकलना है। सो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा हमारे कपड़ों का जो वज़न है वो कम हो जाए। और ये रहा इसका बाथरूम, तो बाथरूम भी काफ़ी स्पेशियस है ऑफकोर्स। और सर्दी के मारे मेरी नाक एकदम लाल हो गई है। तो बाकी ये कि अब हमने जो हमने खाना खाया था रेस्टोरेंट में वो भी बहुत अच्छा खाना बनाया था इन्होंने, मतलब सिंपल था। बट ऑफ कोर्स ये जो जगह है ये एकदम मतलब सिटी से लाइक बोलते हैं ना एक आउटस्कर्ट एरिया होता है सिटी का, तो बिल्कुल वैसे ही से बहुत प्यारा सा होटल लग रहा है। बस ये कि रात का सीन है ना, तो इस वजह से इतना प्यारा मतलब इतना अच्छा व्यू नहीं आ रहा है यहाँ पे। हाँ तो वही है कि इसकी फर्श भी बहुत अच्छी है, बस इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि एकदम ये सिटी के आउटसाइड में है, तो इतना अच्छा यहाँ पे बन रखा है। सो और काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे था ये वाला, और काफ़ी शांति है यहाँ पे। तो आई एम होपिंग कि इस रात काफ़ी कंफर्टेबल नींद आएगी। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि मैं ना मॉर्निंग में 2-3 क्लिप यहाँ पे कैप्चर करूँ, अगर मॉर्निंग में हम लोग ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग नहीं निकले। पेट्रोल पंप पे रुकी है, और यार ये देखो कितनी सुंदर जगह है। और अभी तो हम लोग यहाँ पे जो है बद्रीनाथ के लिए ऑन द वे हैं, तो ये सारा का सारा व्यू है यहाँ से। तो ये चमोली गांव के अंदर जाके, और लाइक अभी हमें बहुत सारा ट्रैवल करना है। और जो होटल था वो हमने लाइक 7 बजे के आसपास जो था चेकआउट कर दिया था, और कल हमने बस 8 बजे के आसपास चेक इन किया था। तो जल्दी हमने जो है वहाँ से निकल गए अर्ली मॉर्निंग। बद्रीनाथ मंदिर है जहाँ पे लाल रंग का झंडा दिख रहा है यहाँ पे, और ये सारा जो ब्रिज से लेके यहाँ तक का रास्ता है यहाँ से आने जाने का है। और यहाँ पे ये सारी की सारी शॉप्स हैं जहाँ से आप जो भी यू नो प्रसाद वगैरह या गले में पहनने की माला ये सब खरीद सकते हो। तो अभी हम भी वहीं जाने वाले हैं कुछ देर में। और यार ये ऊपर का व्यू, ये थोड़ा आगे से व्यू है यहाँ पे। केदारनाथ के मुकाबले यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा। जो
हम नहा चुके हैं और भाई गर्म कुंड में हम नहाए मंदिर आने के बाद। उसके बाद एक हमें एक बाव मिलो ने हमारे फ्री में ऐसा हमें छुटका कर दिया। फिर भी हम लोगों ने कुछ बॉक्सेस वगैरह दे दिया ना, हम दोनों के टीका कर दिया। और ये हमने खरीदा है प्रसाद और ऐसी गले की माला, चार खरीदी मैंने अपनी मम्मी के लिए, भाई के लिए, सारी लाइन ऊपर जाने के लिए। तो ये भी मेन डोर जो है मंदिर का ही बंद कर रखा है क्योंकि यहाँ पे अभी भगवान जी को कुछ भोग लग रहा है, तो अभी आधे घंटे का टाइम लगेगा इसमें। और हम सब के सब लाइन में खड़े हैं। तो ये सारी लाइन है जो कि काफी पीछे से आ रही है लाइन। तो हमारे दर्शन जो है मंदिर के हो गए हैं और बहुत ही ज्यादा भीड़ थी वहाँ पे, लेकिन फाइनली दर्शन हमने कर लिए। मेरे को दबा के मार डाला गया था। सही में और आधे घंटे के लिए वही मंदिर भी बंद था। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत खिली सी धूप हो रखी है, मतलब ठंडा मौसम है लेकिन बहुत अच्छी सी धूप हो रखी है। तो बस कुछ ही देर में हम लोग जो है अपनी गाड़ी पकड़ेंगे। तो मंदिर का ना, जैसे कि मंदिर के अंदर अगर आप जाओगे ना तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग करने देंगे नहीं, तो इस वजह से मैं भी काफी ज्यादा रिकॉर्डिंग कर नहीं पाई। लेकिन वही है कि दर्शन ठीक ठाक हो जाएंगे, मतलब केदारनाथ से ठीक है, केदारनाथ के मुकाबले ठीक है। ये यही गली है जो पूरी ऊपर जाती है, ये जो ब्रिज आ रहा है ना इसके ऊपर से ये मंदिर का रास्ता है। ये सारी की सारी यहाँ पे शॉप्स हैं बैक टू बैक, यहाँ पे बहुत सारी शॉप है एज़ कम्पेयर टू केदारनाथ। ऑफकोर्स वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है तो मेक सेंस, और मैं इस वाले बेंच पे बैठी हूँ अभी। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं ऋषिकेश, बाय बाय बद्रीनाथ। कंस्ट्रक्शन हो रही है, खाई के ऊपर है।